हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि LIC की ओर से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है हर साल की जाती है, इस साल भी उसकी वैकेंसीज आ चुकी है। तो उसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितना सैलरी मिलता है, ज्वाइन करने के बाद आपको कितने साल बाद प्रमोशंस मिलता है, और प्रमोशंस के बाद आपका करियर पाथ किस तरीके से, कौन कौन से प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि LIC की ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और उसको आपको ज्वाइन करना होगा तो आपको पहले ऑनलाइन टेस्ट क्रैक करना होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करना होगा। अगर आप ये सब क्रैक करने के बाद ज्वाइन करते हो तो आपकी जो बेसिक ज्वाइनिंग सैलरी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। जो सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन किया है वो 32,795-16,10,1410,55,335-17,45। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो उस समय आपकी बेसिक सैलरी 32,795 रुपीज़ रहेगी। उसके बाद अगले 14 साल तक, अगले 14 ईयर्स तक आपकी बेसिक की इंक्रीमेंट हर साल 1,610 रुपीज़ होगी। 14 साल के बाद आपका बेसिक सैलरी 55,335 रुपीज़ किया जाएगा। उसके बाद अगले 4 साल हर साल आपके जो सैलरी की बेसिक की सैलरी की इंक्रीमेंट है वो 1,745 रुपीज़ होगी, और उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 62,315 रुपीज़ होगी। तो इस तरीके से आपका बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर अगले कुछ सालों तक लगभग रहेगा। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग सैलरी, बेसिक सैलरी 32,795 रुपीज़ है, तो आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी, उसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, CCA, इस तरीके से सारे जो कंपोनेंट अलाउंस के कंपोनेंट है वो आपको ऐड करने होंगे। तो चलो देखते हैं कि आपकी पूरी सैलरी कितनी होगी अगर आप AAO ज्वाइन करते हो। तो बेसिक सैलरी आपकी 32,795 रुपीज़ रहेगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो है LIC का क्वार्टर टू क्वार्टर इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, जो भी आपका महंगाई भत्ता रहता है उसके ऊपर आपको डिसाइड किया जाता है। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, जैसे इन्फ्लेशन घटेगा तो डियरनेस अलाउंस घटता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 40-60 और 45-60% के बीच पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन की वजह से आपका डियरनेस अलाउंस देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 45% से की गए हैं। तो आपके 45% से डियरनेस अलाउंस होता है 14,715 रुपीज़। हाउस रेंट अलाउंस आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि आप बड़े सिटीज़ में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो वहाँ पे 9% रहेगा। थोड़े छोटे सिटीज़ में रहते हो तो 8% रहेगा, और थोड़े रूरल एरिया में रहते हो तो 7% 6% रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कैलकुलेशन है 8% मिडल सिटीज़ के हिसाब से, तो 2,623 रुपीज़ है। CCA जो है वो बड़े सिटीज़ में मिलता है, छोटे रूरल एरियाज़ में नहीं मिलता है। तो आप मिडल सिटीज़ में रहते हो, 2% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,300 रुपीज़, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 1,300 रुपीज़। तो कुल मिला के जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वो 52,816 रुपीज़ बनेगी, जिसमें से आपका GIC डिडक्शन होगा, जिसमें से आपका टैक्स डिडक्शन होगा, जिसमें से आपका PF डिडक्शन होगा, और सारे डिडक्शन होने के बाद लगभग आपको जो हाथ में इनहैंड सैलरी मिलेगी वो 47,000 से लेके 48,000 तक आपको मिल सकती है। और पर्सन टू पर्सन वो वेरी हो सकती है, एरिया टू एरिया उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एरिया टू एरिया आपके HRA CCA वैल्यूज जो है डिफरेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।